ये धारणा कर ली मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, तो बोध बाप को दे दो, वह कहना नहीं आता है, बोझ उठाते भी हो फिर थक जाते, फिर बाप को लेना भी देते हो। अब हम क्या करें, कैसे करें, तो अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो। बाप ऑफर कर रहा है, किस बात की ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो, तेसठ जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो अपनी अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज भासता है कभी मुश्किल भासता है, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, तो कभी सहज और कभी मुश्किल क्यों होता है, कोई तो कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है, बाप दादा को अंदर से ये बात बहुत लगती है कि बच्चे मोहब्बत में क्यों नहीं रहते, महसूस क्यों करते हैं मेहनत, ये बात अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों का टाइटल है, और मुश्किल अनुभव संगम युग है, असंभव को संभव करने का युग, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मुश्किल को सहज करने वाला कौन है, सब मुश्किलों को सहज करने वाला भगवान है। अभी तो डायरेक्ट बाप आपको मिला हुआ है, टाइटल अपने को क्या देते हो, सहज योगी का टाइटल देते हो या मुश्किल योगी का टाइटल देते हो, नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, कहना बंद करो कि हम सहज राजयोगी हैं, हमारा सहज राजयोग है, कभी सहज योगी हैं कभी मुश्किल योगी हैं ऐसे, और योग है ही क्या, बस बाप को याद ही तो करना है ना, फिर मुश्किल क्यों भासता है, क्यों भासता है, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है, कोई से दिल लग जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, जो जहां याद पहुंचनी चाहिए हठात उससे दूर ले जाते, ऐसा अटैचमेंट लग जाता है, जानते हैं कि इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, जानते हुए भी क्या होता है, जानते हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं गड्ढे में जा रहे हैं, फिर भी क्या होता है, नीचे जाते। बाप कहते हैं अभी पावरफुल योगी बनो, कौन बनेगी, कैसे बनेगी, जन्म जन्मांतर एक हीरो पाठधारी बाप के साथ प्रीति की रीत निभाई होगी, मोहब्बत में बंध करके रहे होंगे, तो संगम युग में भी वो अनुभूति होगी, सहज अनुभव होगा, क्योंकि अनेक जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है बाप के साथ निभाने का,
अगर अनेक जन्मों में बाप को धोखा दिया है, कमजोर आत्माओं का पल्ला पकड़ा है, तो वो कमजोरी इस समय संगम युग में जरूर अनुभव आएगी। तो योग है क्या? क्या है योग? याद ही तो योग है, बस याद करना है। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल तो कुछ हो भी नहीं सकता। पावरफुल योग किसका लगेगा? कभी पावरफुल योग का अनुभव भी करते हैं, कभी बहुत हल्की याद का अनुभव करते हैं, और कभी बहुत कठिनाई से याद का अनुभव होता है। इसका राज क्या है? कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं ना आए। लेकिन क्या बनी है वो पास्ट का पता नहीं है। अगर 10 संकल्प कर लें तो परिवर्तन हो सकता है, होगा वही जो पूर्व जन्मों में हुआ है। लेकिन दृढ़ संकल्प अगर आता है तो इससे समझ में आना चाहिए कि पूर्व जन्म में भी हमने परिवर्तन किया था। हम रावण माया के चंबे से बचे थे, फिर मुश्किल हो नहीं सकता। योग लगन की अग्न है, जब लगन की अग्न जाग जाती है, अग्नि तेज हो जाती है, तो तेज अग्नि में सोने का सारा कचरा भस्म हो जाता है। अगर साधारण अग्नि है तो कचरा भस्म नहीं होता है। तो ऐसे ही जिनकी लगन की अगर एकदम तेज हो जाती है, तेज होना माना अभिविचारिया, अगर याद करते करते बीच में कोई भी और दूसरा इंटरफियर करता है, हमारी याद को तोड़ता है, इसका मतलब पूर्व जन्म में भी उसने हमको इंटरफियर किया था, अथवा इस जन्म में भी इंटरफियर किया है, तो बार बार स्मृति आती है। अभी पावरफुल योगी बनो, मुश्किल नहीं लगेगा। अग्नि को तेज कर दो। कौन सी अग्नि? लगन की अगन को तेज करो। अगन कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मूल्य हो जाता है। माना लोहे जैसे सख्त संस्कार है तो वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। ये लगन की अगन मुश्किल है क्या? ये लगन की अगन क्या मुश्किल को सहन नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें ये वायुमंडल ही ऐसा है, साथ ही हमको ऐसे मिले हैं। अरे उन साथियों से लगाव किसने जोड़ा? कभी तो लगाव जोड़ा होगा ना। उन साथियों से जिन्होंने नीचे गिराया, उनसे लगन किसने जोड़ी? बाप ने जोड़ी। बाप ने कहा ऐसा करो, खुद ही जोड़ी ना। हंस बगुलों का संग करना या न करना ये अपने हाथ की बात है ना। तो कंप्लेंट करना कि वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसे मिले हैं, हंस बगुले हैं,
करें, हमारा पुराना हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? कोई ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है, विश्व को परिवर्तन करेंगे। विश्व को परिवर्तन करने का ठेका उठाया है और अपने आदत अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते। अपने अटैचमेंट को लगाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। जान भी लिया, पहचान भी लिया। क्या पहचान लिया? 63 जन्मों में तो सिर्फ कथा सुनी सत्यनारायण की, वो झूठी कथा सुनी, लकड़हारा, लीलावती, कलावती, लकड़बग्घा, सच्ची कथा नहीं सुनी। और अभी अभी तो सच्ची सत्यनारायण की कथा जान ली ना। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। क्या कहा? जो सबसे नजदीक रहती है पुरुषार्थ में वो भी सच्ची नहीं है। सिर्फ एक की कथा है, सत्यनारायण की कथा। तो भक्ति मार्ग में तो महिमा करते रहे, कथाएं करते रहे, यहां तो प्रैक्टिकल अनुभूति की बात है। प्रैक्टिकल में जानने की बात है कि एक बाप सच्चा और बाकी सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जब विनाश पुर जोर पर होगा उस समय सब धोखा दे जाएंगे, कोई अपना नहीं रहेगा। हर आत्मा ये पक्का अनुभव कर लेगी, एक बाप दूसरा न कोई। अभी मुंह का बट्टा बक्का लगाते हैं, अभी पक्का पक्का अनुभव नहीं होता है कि एक बाप ही सच्चा है। अगर अभी पक्का अनुभव हो जाए तो पक्का वैराग आ जाएगा। जब तक पक्का वैराग नहीं आता है तब तक संपूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है। भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं, बिनु वैराग विवेक न होई। फिर लगा देते हैं, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा हो तब सुलभ होगा? ऐसी कौन सी राम कृपा कर देते हैं? कब करते हैं? कोई टाइम होगा ना। संगम युग ही तो है जिसमें बाप आकर के हर बच्चे को समान रूप से देते हैं। कोई ऐसा बच्चा कह नहीं सकता कि उसको दिया मेरे को नहीं दिया। तो विश्व परिवर्तन का ठेका उठाया है, खुद को परिवर्तन नहीं करेंगे क्या? जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल नहीं मिटा सकता। सारी दुनिया को समाधान दे सकते हैं और स्वयं समाधान स्वरूप नहीं बन सकते, तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करके दिखाओ। अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। कभी ऊंचा जाना कभी नीचे जाना, इसको एक रस नहीं कहेंगे। एक रस अवस्था में जो मजा है वो अप एंड डाउन में नहीं है।
ब्राह्मण जीवन है मजे की जीवन, मजे की जीवन है और मौजों का युग है। अभी अगर मौजों का अनुभव लंबे समय तक नहीं किया तो अनेक जन्म भी नहीं कर सकेंगे। तीस ग्यारह निन्यानवे की अभ्यतवाणी का चौथा थी। अभी बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। संगम युग के इस सुहावने समय में मौजे मनाए रहे हो या दुख की अनुभूति कर रहे हो? अगर दुखों की अनुभूति ज्यादा होती है तो इससे साबित होता है अब तक का जो पुरुषार्थ किया है उससे साबित होता है कि अनेक जन्मों में दुख ज्यादा उठाया है, सुख कम कमाया है। आईना है आपके सामने, कौन सा है? ज्ञान का आईना हमारे सामने है, है या नहीं है? आईना टूट तो नहीं गया है? आईना कैसे टूटता है? जब बाप और बाप के ज्ञान में निश्चय उखड़ जाता है तो आईना टूट जाता है। सभी को आईना मिला है ना? माताएं, आईना मिला है या चोरी हो रहा हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है, होशियार है ना? हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। परिवार भी वाह वाह है कि परिवार में रह करके भी हाय हाय अनुभव होती है। वाह वाह है, ऐसे नहीं, यह तो बहुत वाह वाह है और यह थोड़ा ऐसा है। नहीं, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में वाह वाह, कोई भी बात में हाय हाय नहीं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं। वाह, ये भी आत्मा का बोझ उतरता है, धर्मराज की सजाओं से बचाता है। अनेक जन्मों के पाप हल्के होते हैं। अगर दस मन से आपका तीन चार मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय है? क्या है? वाह, खूब बोझ उतर रहा है। इस बात से, व्याधि से, हाय मेरा पार्टी ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है। आप व्याधि को छोड़ोगे या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो।
हाय ये मेरे पास क्यों आ गई? मेरा ही हिसाब ऐसा है। अरे तुमको जो प्राप्ति हो रही है उस प्राप्ति के हिसाब से ये व्याधि तो कुछ भी नहीं है। व्याधि तो ये एक जन्म और प्राप्ति तो अनेक जन्म की प्राप्ति हो रही है। प्राप्तियां सामने रखो और ये व्याधि का हिसाब किताब सामने रखो तो वो व्याधि क्या लगेगी? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए हर बात को पॉजिटिव रूप में देखो। ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, ऐसे पॉजिटिव रूप में देखो। तो नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स उठाओ, अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार की मुश्किलों को सहज करने वाला बाप आया हुआ है। अच्छा, कोई भी हिसाब है? कोई आत्मा से हिसाब है? प्रकृति से हिसाब है या शरीर से है? क्योंकि प्रकृति के ये पांच तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब, योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? अभी जमा का खाता बढ़ाओ, बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। क्या ब्राह्मणों के बोल द्वारा ही उनकी भावना का पता पड़ जाता है? अंदर में भाव क्या है वो पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उस बोल में आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी हो श्रेष्ठ और भावना भी हो श्रेष्ठ। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये सब मायावी भावनाएं हैं। सदा शुभ भाव और भावना हो। तो ऐसा है, इस बात को चेक करना, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा होता है। फुल मार्क्स अर्थात इन सब प्रकार के खजानों का खाता भरपूर हो, तब कहेंगे पास विदानर। ऐसे नहीं सोचना, एक खजाना अगर कम जमा है तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन पास विदानर बनने के लिए सब प्रकार के खजानों में खाता भरपूर हो। बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं, बाप
परदादा सिर्फ उन्हों को ही नहीं देख रहे हैं क्या, इसको देख रहे हैं बाप दादा अपने बच्चों को इमर्ज करके भी देखते हैं। कहां की बात बोल रहे हैं, ये बात कहां की बोल रहे हैं, ये वाणी तो माउंट आबू में गुलजार के तन से चली ना, तो बोला बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं, क्यों ऐसे क्यों कहा है? जो भी बच्चे देश में हैं या विदेश में हैं सभी को देख रहे हैं, क्या मतलब, कौन से बच्चों से बात हो रही है, वो कौन से बच्चों की वैरायटी बताई जिनकी बात हो रही है, जिनसे बात कर रहे हैं, जिन बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं, हेडिंग में क्या बताया, पास विदानर बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं अथवा पास विदानर का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को देख रहे हैं, तो सिर्फ बेसिक नॉलेज पार कर ली या पास कर ली उससे पास विदानर का पुरुषार्थ पूरा हो जाता है, नहीं हो जाता। तो वहां उस सभा में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनमें मोस्टली किस कैटेगरी के हैं, सिर्फ बेसिक नॉलेज को पढ़ने वाले हैं या पास विद आनर बनने वाली जो पढ़ाई एडवांस पढ़ाई है, एडवांस नॉलेज है उसको लेने वाले बच्चे भी वहां बैठे हुए, कौन से ज्यादा बैठे हैं, सिर्फ बेसिक वाले बैठे हुए हैं। इसलिए बोला बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं, और किनको देख रहे हैं, जो भी देश विदेश में हैं वो सभी बच्चों को देख रहे हैं, जो ऐसा एडवांस पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं कि पास विद आनर हो सकते हैं, भले सन्मुख नहीं है क्या, गुलजार दादी में जो बाप दादा बोल रहे हैं उनके सन्मुख नहीं है लेकिन बाप दादा के दिल में समाये हुए हैं, तो ज्यादा नजदीक कौन हुए, दिल में समाये हुए हैं, नैनों में समाये हुए हैं वो नजदीक हुए या सन्मुख बैठने वाले नजदीक हुए। आप सन्मुख हो आज और कल होंगे, कौन, आप आज सन्मुख हो और कल और हो जावेंगे, क्या कहा, आप आज सन्मुख हो माउंट आबू के हाल में, आज आप सन्मुख हो और कल और हो जावेंगे, क्या मतलब हुआ, ऐसी और भी कोई वाणी बोली, इतनी स्पष्ट वाणी और भी कोई बोली है, नहीं बोली, बोली है, क्या बोला है, माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, अलमारी में ताला भी नहीं लगाने देंगे, इसलिए यहां भी बोला आज आप सन्मुख हो कल और सन्मुख हो जावेंगे,
क्या? जैसे बोला पहले भी बोलते थे मुरली में, क्या बोलते थे? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर गीता पाठशाला वाले ले जावेंगे। तो गीता पाठशालाएं एडवांस में ज्यादा है या बेसिक में ज्यादा है? एडवांस में सारी की सारी गीता पाठशालाएं। इसलिए बोला कि मधुबन वाले तैयार रहें, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ऐसे तो ट्रांसफर नहीं होते हैं कहने से, लेकिन समय ऐसा आवेगा, समय परिवर्तन करा देवे। तो फिर बलिहारी बच्चों की नहीं हुई, ये समय की बलिहारी हो गई, ये मजबूरी की बात हो गई। ऐसी मजबूरी अनुभव करने वाले बच्चे पास विधान की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। लेकिन ऐसे नहीं समझो कि आपको बाप दादा नहीं देखते हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं समझो कि सूक्ष्म वतन की स्टेज में रहने वाले बाप दादा प्रैक्टिकल जहां भी एडवांस पार्टी में पार्ट बजाए रहे हैं वो आपको नहीं देखते हैं। आपको भी देखते हैं, वो पास में तो आनर होने वाले वो दिल में हैं और आप सन्मुख हो। ऐसे नहीं कि आप दिल में नहीं हो लेकिन सन्मुख हो, उसका महत्व तो है। अच्छा अभी बिजनेस वाली हाथ उठाओ तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। बाप की क्या बिजनेस है? ज्ञान रतन देना, और क्या लेना है? हीरा देना और कौड़ी लेना। बाप की बिजनेस क्या है? हीरा देता है और क्या लेता है? कफपन लेता है, कौड़ी लेता है। कितनी अच्छी बिजनेस है बाप के साथ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला हुआ है। इनको जो ज्ञान रत्नों की बिजनेस करने वाले हैं, घूम घूम के चारों ओर दूसरों को ज्ञान धन बांट रहे हैं, उन बिजनेस करने वालों को खास चांस मिला है। क्या चांस मिला है? कि कखपन बाप को दिलाओ और हीरे हीरे मोती जिनको ज्ञान बांटते हो उनको हीरे मोती दिलवाओ। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वो तो अच्छा किया, खुद ये बिजनेस कर ली, कौड़ी दी और हीरा लिया, वो तो अच्छा किया। लेकिन और को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है।
बिजनेस समय के अनुसार नीचे जा रही है। क्या कहते हैं उस स्कूल बिजनेस में भी, क्या कहते हैं, धंधा नहीं चल रहा है, सब धंधों में है नुकसान। क्या बोला, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। लेकिन ईश्वरीय धंधे में भी अभी क्या कहते हैं एडवांस वाले, कोई सुनता ही नहीं। बिजनेस बहुत डल हो गई है, नीचे जा रही है, इसलिए जितना भी पैसा है पैसे के साथ भी चिंता है कि सब पैसे का क्या होगा। स्थूल धन वाले सोचते हैं इस धन का क्या होगा, बैंकों का ठिकाना नहीं, प्राइवेट कंपनियां उड़ती जा रही हैं। तो जो सूक्ष्म ज्ञान रत्नों की बिजनेस वाले हैं वो भी अंदर से हिल रहे हैं। पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उनको चिंता से हटाए अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, लेकिन अपने हमजिंस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। तीस ग्यारह 99 की अभ्यर्थवाणी का पांचवा पेज, जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं उनको चिंता है क्या होगा कैसे होगा, चिंता है। अगर चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। सूक्ष्म बिजनेस करने वाले हाथ उठाओ कि हमें कोई चिंता नहीं, जो पाना था सो पा लिया, सब हुआ पड़ा है। हाथ उठाओ, बहुत सोच समझ के हाथ उठाए रहे हैं, कोई थोड़ा सा उठाए रहे हैं। चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। अगर चिंता नहीं है, चिंता नहीं है ना, कल कुछ हो जाए तो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं। बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह हैं। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया, जिनको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वो हाथ उठाए सकते हो या शर्म आएगा। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह। क्या टाइटल दिया है, बेगमपुर का बादशाह। कौन सा पुर, बेगम है, बेगमपुर, बेगमपुर का बादशाह। बेगमपुर के बादशाह हो ना, कि कोई गम है, है? कोई बादशाह की बेगम चली जाए तो उसको गम होगा या नहीं होगा, है? होगा, गम होगा ना। लेकिन आप कैसे बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आवे, राम की सीता ही क्यों न चुराए ली जावे, मन अपनी अपनी सीता जहां जिसकी दिल हो। तो जब भी कोई ऐसी बात आवे अथवा आएगी, आएगी तो जरूर, क्या आएगी, क्योंकि सत्युग में तो ये पुराने संबंध नहीं चलेंगे। क्या होगा, सत्युग में सब नए संबंध होंगे,
कि पुराने यही दर्जन संबंध सतयुग में डालेंगे, है नहीं डालेंगे। ब्रह्मा बाबा के गए, ब्रह्मा बाबा की यशोदा पत्नी वो सतयुग में जाकर के पत्नी बनेगी नहीं बनेगी। जो समान पुरुषार्थी होंगे वो ही जाकर के वहां समान स्टेज पर बैठने वाली बनेगी। तो समस्याएं आएंगे तो जरूर, ऐसी बात जरूर आवेगी, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना। कहां चले जाना? कोई गम नहीं, जो पाना था सो पा लिया, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की वो मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। बेगमपुर में बैठ जाना तो बादशाह भी बन जावेंगे और फिर बेगमपुर में भी आ जावेंगे। क्या तो समझते हो कि बेगम तो चली गई, अब बिना बेगम का बादशाह ये तो कोई होता नहीं। तो बेगमपुर का बादशाह बन जावेंगे, बेगमपुर में भी हो, बेगमपुर में हो जावेंगे। आपने ही आवाहन किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए। कौन सी नई दुनिया और पुरानी दुनिया की बात हो रही है? बाहर की 500 करोड़ की दुनिया जाए या ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही और एडवांस पार्टी में ही इशारा दे दिया, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। दाएं हाथ से भी झाड़ लगाएगी सफाई और बाएं हाथ से भी झाड़ू लगाएगी सफाई। तो आपने ही आवाहन किया है, उस वाणी में भी बोला, आपने ही प्रकृति को ये काम दिया हुआ है। क्या काम दिया हुआ है? सफाई कर दो, दिवाली आने वाली है, नंबरवार दीपक जगने वाले हैं। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आवे। माना पुराना संगठन खलास हो और नया संगठन तैयार होकर सामने संसार के प्रत्यक्ष हो जाए। तो जाएगी कैसे पुरानी दुनिया? जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी ना। कि ऐसे ही बोल दिया मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। कुछ नीचे ऊपर होगा ना, ऐसे नहीं समझना कि बेसिक नॉलेज में ही मधुबन और ज्ञान सरोवर होता है, एडवांस में नहीं होता है। एडवांस में भी मधुबन है और एडवांस में भी ज्ञान सरोवर है। माने ज्ञान को धारण करने वाले वो सरोवर एडवांस में भी है, ये बेहद की बात है। तो नीचे ऊपर दुनिया होगी तब तो जाएगी ना, कुछ भी हो जाए। आपको बेफिक्र बनना ही है। क्या? कुछ भी हो जाए आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आवाहन किया है पुरानी दुनिया खत्म हो, तो पुरानी दुनिया में पुराने मकान में क्या होता है? कभी कुछ टूटता है, कभी कुछ गिरता है,
तो ये तो होगा ही ना कि नहीं होगा? होगा नथिंग यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, कोई भी बात हो जाए नथिंग यू। ड्रामा में सब कुछ नुदा हुआ पड़ा है, होना ही है, हो रहा है और हम बेफिक्र बात चाहे क्या। प्रकृति जितनी ही जाती हलचल मचावे उतना ही प्रकृतिपति अचल हो जावे। ऐसे बेफिक्र हो, अगर बेफिक्र होंगे तो दिवाला होने से भी बच जावेगी और फिक्र में होंगे निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में दिवाला मारने वाले क्या से क्या बन जाते हैं, करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं। ये तो जानते हो ना, बेफिक्र होंगे बुद्धि का कांटा बैलेंस में होगा तो निर्णय अच्छा होगा और बच जाएंगे, टचिंग हो जाएगी। अभी समय अनुसार यह करें या नहीं करें, इसलिए फिक्र माना बिजनेस भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव यह याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो फिर फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी भी नहीं बनो। हिम्मत रखने से बाप की मदद मिलती रहेगी। बाप आप बच्चों की मदद के लिए बांधा हुआ है लेकिन हिम्मत ही इनका मददगार नहीं है। क्या कहते हैं, मन के हारे हार मन के जीते जीत। आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है। हिम्मत बच्चे की और मदद बाप की, आधा सत्य नहीं पकड़ो। बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखो। क्या होता है, आधी बात पकड़ लेते हैं, बाप की मदद नहीं मिलती। लेकिन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हिम्मत छोड़ देते हैं तो मदद भी नहीं मिलती। तो आधा नहीं करना, पूरा याद रखना। अच्छा, माताएं बिजनेसमैन नहीं हैं? हैं। अगर माताएं बिजनेसमैन हैं तो बेफिक्र बादशाह है। नौकर नहीं बन जाना, मालिक बनना, बादशाह बनकर के रहना। अगर कोई चिंता है तो उदासी है, उदासी आती है तो दासी बन जाएगी। इसलिए बिजनेसमैन बन के रहना। काहे का बिजनेसमैन, बादशाह बनना। अच्छा, दूसरे हैं इंजीनियर और वैज्ञानिक, वो भी हाथ उठाओ। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा अनुभव है,
जैसे साइंस में ही होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप टैलेंट और साइंस दोनों के अनुभवी हो तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना, साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उस बात की इनको पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है तो साइंस भी फिर ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम आएगा ना। हमारा विज्ञान कौन सा है, ज्ञान तो ज्ञान है लेकिन विज्ञान कौन सा है, बाप की याद, याद ही हमारा विज्ञान है। इस याद की शक्ति से दूर बैठे बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे, जैसे विज्ञान से कर रहे हैं। साइलेंस की पावर साइंस की पावर से भी बहुत ऊंची चली जाएगी। तो साइंस भी जैसे ज्यादा रिफाइन होती जा रही है, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम आएगा ना। कौन सा विज्ञान होगा, याद का विज्ञान, आत्मिक स्थिति का विज्ञान। ऐसी पावर होगी एकाग्रता की कि प्रकृति सारे कार्य मुहैया करेगी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इशारा मात्र। लेकिन जो कुछ भी होगा वो रिफाइन रूप में होगा, अभी क्यों नहीं है। अभी याद में, संकल्पों में, बोल में, कर्म में रिफाइननेस नहीं है। विविचारी संकल्प आते हैं, विविचारी याद होती है, सत्य में क्या होगा, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। एक का